प्रकाश वैद्युत प्रभाव में ध्यान देंगे, प्रकाश का विकिरण का वैद्युत से क्या संबंध है, विश्लेषण में ही हम चर्चा करेंगे कि जो विकिरण है, प्रकाश है, रेडिएशन जो है, उसका वैद्युत पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जानते हैं प्रकाश में तीव्रता होती है, प्रकाश में वो फ्रीक्वेंसी होती है, आवृत्ति होती है, प्रकाश में वेवलेंथ भी होता है। इन सारी बातों का वैद्युत क्या प्रभाव पड़ता है, इस लेसन में आज हम अध्ययन करेंगे। तो पहले तो देखते हैं जो नेचर है वो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट होता है, प्रकाश की प्रकाश अथवा विकिरण, प्रकाश की ये दृष्ट प्रकाश की किरणें ऋण आवेशित प्लेट प्राप्त
बढ़ाने पर धारा बढ़ रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है एक न्यूनतम आवृत्ति, एक न्यूनतम आवृत्ति पर यदि प्रकाश आपतित कराएं तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, और यदि उससे कम आवृत्ति का प्रकाश यदि इलेक्ट्रॉन पर आपतित करा दिया जाए तीव्रता चाहे प्रकाश में कुछ भी क्यों ना हो कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित होने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति का विकिरण सही है और प्रकाश की तीव्रता जहाँ चाहे वो कुछ नहीं हो। तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो क्या करें धारा का मान बढ़ाए लेकिन इलेक्ट्रॉन के निकलने की जगह इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जब एक न्यूनतम आवृत्ति से ऊपर आवृत्ति वाला प्रकाश आप कराएं उस न्यूनतम आवृत्ति को जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है उसको कहा जाता है संस्पंद आवृत्ति कहा जाता है। तो वो फ्रीक्वेंसी होता है डेली आवृत्ति अथवा संस्पंद आवृत्ति कहते हैं। उस आवृत्ति के ऊपर जब प्रकाश आपतित कराएंगे तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे उससे नीचे रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। जैसे उसमें डेली आवृत्ति संस्पंद आवृत्ति की बात आएगी इस पक्ष पर हम आवृत्ति को दिखाएंगे। तो यहाँ मान लेते हैं सकते हैं इस पर इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का रिक्त गति ऊर्जा होगी इस तरह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे या इनके होगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा की गतिज ऊर्जा और ये गतिज ऊर्जा होगी देख रहे हैं इनके। अब यहाँ इनके न्यू जीरो पर इनके क्या है जीरो है मतलब कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा क्योंकि उसकी गति ऊर्जा यहाँ क्या है जीरो है। जब ये न्यूनतम आवृत्ति से जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ेगी गति ऊर्जा का विमान क्या होगा बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी जिससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। एक चीज देखो इलेक्ट्रॉन के बीच जब वोल्टेज लगाएंगे तो कौन सा वोल्टेज लगाएंगे देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तो जब धन आवेश प्लेट की जगह पर जब ऋण आवेश प्लेट लगा देंगे उच्च वोल्टेज देकर तो इलेक्ट्रॉन को होंगे आने वाले इलेक्ट्रॉन अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा रोकेगा तो अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को जब रोकेगा तो वह विभव कहलाएगा। कट ऑफ वोल्टेज संस्तब्ध विभव निरोधी विभव कहेंगे मतलब अधिकतम ऊर्जा वाले तो अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होगी जीरो होगी और यही बीच नॉट जो देख रहे हैं इसका स्तब्ध विभव है कट ऑफ वोल्टेज है और यही बराबर क्या होगा ई के होगा। ई के मतलब अधिकतम गति ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन जिस वोल्टेज को रोके जाएंगे वही वोल्टेज कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्तब्ध विभव या नेगेटिव विभव कहलाता है। तो यहाँ डेली आवृत्ति से मतलब वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं उत्सर्जित होते हैं तो डेली आवृत्ति संस्तब्ध आवृत्ति वह वोल्टेज जिस पर अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोका जा सके तो उस वोल्टेज उस न्यूनतम वोल्टेज जिस पर अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन को रोका जा सके वह वोल्टेज कहलाता है कट ऑफ वोल्टेज निरोधी विभव कहलाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन एक चीज और बता रहे हैं इसकी दो चीज जो प्रकाश पारावैद्युत प्रकाश आपतित हो रहा है उसकी ऊर्जा होगी। तो प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों अथवा पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें फोटॉन या क्वांटा कहते हैं। प्रत्येक फोटॉन या क्वांटा से संबद्ध एनर्जी एच की होती है। तो ये प्रकाश को बोलते हैं कितनी ऊर्जा लेकर आ रहा है एच न्यू। एच न्यू जब ऊर्जा आपको इस प्लेट पर मिलेगा प्लेट है पी वन और ये है प्लेट पी टू जैसे ही एच न्यू ऊर्जा वाले प्रकाश का प्लेट पी वन पर आपतित होंगे तो इस प्लेट में उपस्थित इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन तो धातु के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे सतह पर भी होंगे तो ये एच न्यू एनर्जी प्लेट पी वन लेकर अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का क्या करता है उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन जैसे ही एक प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस ऊर्जा का कुछ भाग धातु की सतह से बाहर निकलने की देर करेगा जिसे वर्क फंक्शन कार्यक्रम कहते हैं और उसे डब्ल्यू दिखाया जाता है और कुछ एनर्जी बची रहेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे निकलने में देर करेंगे उसको कहा जाएगा गति ऊर्जा। मतलब एच न्यू जो ऊर्जा है आपतित प्रकाश फोटॉन की ऊर्जा है एच न्यू इसका कुछ भाग ई के मतलब गति ऊर्जा या कुछ भाग कार्यक्रम है
कर दिया जाए, मतलब W जीरो होगा तो कार्य पुरुष जीरो कर दिया जाए, चाहे अधिकतम गति ऊर्जा को जीरो कर दिया जाए, मतलब अधिक जीरो होगा और कार्य पुरुष जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अंदर से सतह तक आने में ऊर्जा व्यय करेंगे, उसके बाद एनर्जी बचेगी तब गति ऊर्जा में व्यय करेंगे। तो यदि ईके को जीरो कर दिया जाए, मतलब धातु की सतह से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकले, तो संपूर्ण ऊर्जा जो होगी एच न्यू जीरो, एच न्यू जीरो बराबर होगा डब्ल्यू। कहने का मतलब यदि ईके जीरो कर दिया जाए, अधिकतम ये गति ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की गति ऊर्जा यदि जीरो कर दिया जाए, तो इलेक्ट्रॉन आपतित प्रकाश कणों की संपूर्ण ऊर्जा को कार्यक्रम में व्यय करेंगे, धातु की सतह तक आने में व्यय करेंगे, मतलब डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, एच न्यू जीरो होगा, समझे। तो इसमें और नहीं है, लेसन को हम समाप्त करेंगे इस लेसन को, और आज बस इतना देखेंगे निरुद्धि विभव संस्तब्ध और विभव जिसको कहा गया, कि जल्दी आवृत्ति बताएंगे, संस्तब्ध आवृत्ति करते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव और प्रकाश का जो डिविन नेचर है, विकृति है, तरंग और कणिका, उसको याद कर लेंगे। परिभाषा कई बता रहे हैं, अब कल बताया।